और उसके बाद खैर विराट ने कुछ नहीं बोला कप्तानी को लेके, आज तक नहीं बोला, लेकिन ये एक डिबेट दोबारा से छिड़ गया है कि जी विराट कप्तान होते, वो होता ही है ना हमारे इंडिया में, क्योंकि उम्मीदें आपने कहा तो हाइपोथेटिकल्स बहुत चलते हैं। जब रोहित आए तो ऑब्वियसली रोहित से भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब इन 5 दिनों में लोगों ने कहा कि शायद विराट वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। ये एक सोशल मीडिया पे जैसे होता है, सोशल मीडिया ड्राइव करता है क्रिकेट को, तो ये एक चल रहा है वहाँ पे। देखिए अब ये बोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो कप्तान थे उन्होंने छोड़ दिया टेस्ट कप्तानी, तो फिर आगे ये सब बोलने का फ़ायदा नहीं है। सिलेक्टर्स को कप्तान बनाना था और उस समय रोहित शर्मा बेस्ट कप्तान थे, और को था भी 5 IPL जीते हैं अपने, जिस जहाँ जहाँ उनको कप्तानी दी है वहाँ वहाँ जीते हैं, एशिया कप जीते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन थे उस समय। और टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल भी खेले, इस बार हार गए फाइनल में, बेशक 2002 साल पहले भी जब फाइनल था हार गए थे। तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले, मैं समझता हूँ अच्छे नहीं खेले, बट सेमीफाइनल तक पहुँचे, इससे पहले हम क्वालिफाई नहीं किए वर्ल्ड कप पे। तो जो बेस्ट ऑप्शन था उस समय सिलेक्टरों ने बनाया, और मेरा रोहित के ऊपर फेथ है, क्योंकि जो आदमी 5 बार वो और MS धोनी 5 बार IPL जीते हैं, बाकी तो किसी ने जीता नहीं। और IPL जीतना उतना आसान नहीं है विराट विक्रांत, क्योंकि बहुत टफ टूर्नामेंट है। मैं पास से देखा हूँ 2019 में और इस बार IPL जीतना इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट देन अ वर्ल्ड कप, बिकॉज 14 मैचेस हैं, फिर आप प्लेऑफ्स खेलते हो, वर्ल्ड कप में आप 4-5 मैच खेल के ही सेमीफाइनल पहुँच जाते हो, उसके बाद फाइनल पहुँच जाते हो। यहाँ पे 14 मैचेस, फिर प्लेऑफ्स, फिर उसके बाद जीतो हारो 17 मैच खेल के आप चैम्पियन होते हो, तो वो मुश्किल टूर्नामेंट है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा ऑप्शन इस समय रोहित शर्मा ही था भारत के लिए, और अभी भी बेस्ट ऑप्शन है, अभी भी बेस्ट ऑप्शन है। मैं चाहूँगा थोड़ा मतलब बिना डर के करे, जो होगा होगा है, हाँ बिना डर के करे। 6 महीने बाद वर्ल्ड कप है, जाके खेले, जिस टीम में रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या हो, जडेजा हो, बुमराह हो, पता नहीं बुमराह वर्ल्ड कप पे फिट होंगे कि नहीं, शामी, शिराज, यार वो टीम कहीं ना कहीं तो जीतेगा ही। और मैं समझता हूँ एक ही चीज़, और ये मेरी ओपिनियन है, मैं राहुल के साथ इतना खेला हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ और समझता हूँ कि ये उस टीम को आगे ले जा सकते हैं रोहित के साथ ही। मैं समझता हूँ कि एक ही एडवाइस होगी उनके लिए, खेलो जाके बिंदास, जाके खेलो, कुछ सोचना नहीं कि आगे क्या होगा, फाइनल खेलेंगे, जीतेंगे, दुनिया क्या बोल रही है, सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी स्टोरी क्या है, जीतेगा हारेगा, मेरी स्टोरी ठीक थी, जीते बिल्कुल जीतेगा हारेगा, जाके खेलो।